अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे न्यूज़ चैनल सितारा दक्कन में आपका खैर मकदम है। केसीआर हुकूमत की एक्सपायरी डेट हो चुकी है, प्रियंका गांधी का वीडियो वायरल। कांग्रेस कायद प्रियंका गांधी ने कहा कि केसीआर हुकूमत ने समाज के तमाम तबकात को धोखा दिया है और अभी इस हुकूमत की एक्सपायरी डेट हो चुकी है। इन्होंने पालाकुर्ती में कांग्रेस के जलसा आम से ख़िताब करते हुए कहा कि पानी फंड्स और तखररात के मामले में तौखात को पूरा करने के मकसद से आवाम ने बीआरएस को मौका फराहम किया था, लेकिन हुकूमत ने इन तमाम को बलाए ताख रख दिया। प्रियंका गांधी ने मजीद कहा कि बीआरएस और बीजेपी दोनों एक ही सिक्के के दो रुख है और इन दोनों पार्टियों ने गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। प्रियंका गांधी ने मजीद कहा कि बेरोज़गारी में तेलंगाना मुल्क भर में सर फहरिस्त है, जहां एक तरफ तुलबा मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं, वहीं दूसरी जानिब इम्तिहानी पेपर्स लीक किए जा रहे हैं। मुलाजिमतें ना मिलने की वजह से कई नौजवान खुदकुशी जैसा इंतहाई इकदाम करने पर मजबूर हैं। यहाँ पे नौजवान कितने हैं, हाथ उठाओ। इकड़ा इंदा मंदी युवकुलु नारो अंदर ओकसारी चाहिए तंडी। सभी नौजवान अंदर युवकुले बताओ जरा कि इन दस सालों में कितनों को रोजगार मिला है, कितनों को नौकरी मिली है? चेप्पंडी सोदर नारा, ये पदी समस्त्राल्लो एंदरी की उपाधि अवकाशालु मीको चाहिए ओकसारी चेयेत्ती चेप्पंडी। नहीं मिली, दोरकलेदु। आपको मालूम है कि आपका प्रदेश बेरोजगारी में सबसे जो ऊंचे प्रदेश है, जिनमें सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, उनमें से है। अंदर की तेलसा सोदर लारा, దేశంలోనే నిరుద్యోగ సమస్యలలో మన తెలంగాణ రాష్ట్రం అత్యధిక పెద్ద స్థానంలో నిలబడి ఉంది। आप पढ़ते हो, मेहनत करते हो, फीस देते हो, प्राइवेट में ट्यूशन भी करते हो, पेपर देते हो, पेपर लीक हो जाता है। మీరు ఉద్యోగాల కోసం కష్టపడతారు, శ్రమిస్తారు, చదువుతారు, రాత్రి ప్రవణాలు శ్రమిస్తారు, కానీ మీరు పరీక్ష రాసిన వెంటనే ఆ పరీక్ష కుంభకోణాలలో లీక్ అయిపోతాయి। होता है कि नहीं? అయితాయా కావా? बहुत सारे नौजवानों ने आत्महत्या भी की है इसके चलते। पेपर लीक वाला अनेक मंदी युवक आत्महत्या चेसुकुनारा लेदा। एक लड़की ने आत्महत्या की और इस सरकार ने कहा कि उसने फॉर्म ही नहीं भरा था। ओका युवती, देखा आपने? ओका युवती आत्महत्या चेसुकुंदी, काने ई प्रभुत्वं आ आत्महत्यकु विंगंगा आमे परीक्ष कूडा रायलेदने सवाल्नु लेवनेट्टिंदी। बाद में पता चला कि ये झूठ है कि उसने फॉर्म भरा था, उसने पूरी कोशिश की थी। जब उसने आत्महत्या की तो उसके परिवार को सुरक्षा देने के बजाय, मदद देने के बजाय उसके बारे में गलत बातें बोली। కానీ తర్వాత తెలిసింది ఆ అమ్మాయి ఫామ్ కూడా నింపింది, పరీక్షకు అప్లై చేసింది, ఎలక్షన్ పరీక్ష కూడా రాసింది, కానీ ఆ దానికి తోడుగా వాళ్ళ కుటుంబానికి చేయూతగా నిలబడడానికి పోలుగా వాళ్ళ కుటుంబాన్ని ఈ ప్రభుత్వం అవమానించింది। तो आज तेलंगाना का युवा क्या उम्मीद रख सकता है? కాబట్టి ఈ రోజు తెలంగాణ యువత యువకులు ఈ తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మీద ఎటువంటి ఆలోచనలు కలిగి ఉన్నారు? मेहनत करने के बावजूद रोजगार नहीं मिलता, पेपर देने के बावजूद रोजगार नहीं मिलता, पेपर लीक हो जाते हैं, उसमें करप्शन होता है, भ्रष्टाचार होता है, तो आगे की उम्मीद क्या रख सकते हैं, आशा क्या हो सकती है नौजवान की? ఎంతో కష్టపడి చదివినా